ओम शांति। आज की तारीख है 17/12/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें समय से सावधान करते हैं और हमारा समय हम नष्ट न करें उसके लिए हमें मधुर मीठी शिक्षाएं दे रहे हैं। मीठे मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। प्रश्न है बाप का शो यानी बाप का नाम करना, बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर है जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। प्रश्न दूसरा भी है अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर है सोल कॉन्शियस होकर के रहना है और उसे ही अंतर्मुखी बनना कहते हैं। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है और एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। गीत बजा है ओम नमः शिवाय। पितु मातु सहायक स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के दो ज्ञान बिंदु। नंबर एक अंतर्मुखी बन एक बाप से ही सुनना है, एक बाप से बुद्धि योग रख गुणवान बनना है, बाहर मुखता में नहीं आना है। नंबर दो रूहानी बाप की याद के नशे में रह भोजन बनाना व खाना है और पक्का योगी बनना है। वरदान मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं अखंड सुख शांति में संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन सेल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्म प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव वे करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लगे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।